जरीफ फीता है ना, जरीफ फीता सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारी जरीब है जो मीटर जरीब के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। मीटर जरीब 100 फीट की या 30 मीटर की होती है, अर्थात हर एक फीट पर एक कड़ी जोड़ी गई है। इसमें जो कड़ियां हैं वो इस प्रकार लगाई गई हैं, 3 कड़ियों का समूह एक साथ लगाया गया ताकि आसानी से इसको घड़ी की जा सके। तो एक फीट की एक कड़ी है, इसके साथ ही ये हैंडल है, जो ये हैंडल है हमारा, इस हैंडल की जो लंबाई है वो लंबाई इस कड़ी के बराबर ही की गई है, अर्थात ये एक फीट के बराबर ही है। इस कड़ी में जुड़ी हुई है ये हैंडल, ठीक है ना, शुरू का। इसके अलावा इसमें हर एक 10 फीट पर ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के टैग लगे हुए हैं। इन प्रतीक चिन्ह या इन्हें टैग कहते हैं, जो 10 पे और 90 पे एक जैसा एक नोक वाला होता है, 20 पे और 80 पे दो नोक वाले, 30 पे और 70 पे तीन नोक वाले, और 40 और 60 पे चार नोक वाले, और बीच में जहां 50 फीट की दूरी है वहां पर गोल एक टैग लगा हुआ होता है, जो हमें ये बताता है कि ये बीच है हमारा। इसके अलावा जो हमारा ये है, ये यंत्र क्या है हमारा, सर्वेक्षण दंड, रेंजिंग रोड। ये विकल्प को स्पष्ट देखने के लिए काम में लिया जाता है, दूर का विकल्प जो हमारा है उस विकल्प को देखने के लिए काम में लिया जाता है। हालांकि इसमें काम में नहीं आता विकल्प देखने के, लेकिन उत्तर दिशा के निर्धारण करते समय ए और बी बिंदु को देखने के काम में, नापने काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये हमारा उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए कंपास है, जिसे ट्रफ कंपास कहते हैं। इसमें एक एगेट धुरी है, एगेट धुरी पर, इस एगेट धुरी पर एक स्वतंत्र क्या घूम रही है, स्वतंत्र चुंबकीय सुई घूम रही है, और ये चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से घूम करके और हमें उत्तर दिशा का निर्धारण करके बताती है, प्रदर्शित करती है। ये एलो धातु का है, और क्योंकि चुंबकीय सुई है इसीलिए जो ये बाहर का खोल बना हुआ है ये एलो धातु का बना हुआ होता है, जो ताकि हमारी चुंबकीय सुई प्रभावित ना हो। ये फीता है, फीता और चैन इस सर्वे में महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे चैन एंड टेप सर्वे के नाम से जानते हैं। इन अपने हैंडलों को पकड़ करके और इसको दूर फेंकना है, इस प्रकार हमने छोड़ दिया, चैन अपने आप खुल जाएगी, एक को पकड़ करके और उधर हम फैला लेंगे। जिस प्रकार का हमारा फील्ड है उसी हिसाब से इसकी लंबाई को फैला लेते हैं, उधर का भी ले। उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए समतल भूभाग पर इस कंपास को हम रख देंगे अच्छे ढंग से आपके पास है ना, और जिस दिशा में ये सुई गतिशील हो रही है ना, उस दिशा में इसको क्या कर देंगे, घुमाएंगे। ये हमने क्या कर दिया, उत्तर दिशा का निर्धारण कर दिया। जैसे ही हमारी सुई चुंबकीय सुई 0 पे आ जाती है तो उत्तर दिशा का निर्धारण हो गया। अब इसके समीप हम क्या लगा लेंगे, रेंजिंग रोड लगा देंगे, और रेंजिंग रोड लगा करके और इसका
नाप ले लेंगे। लेने के बाद अब इसको जो हमारी कड़ियां हैं उससे नाप लेंगे। नापो, पकड़ो, रेडिंग को लेनी है, रेडिंग को ना मेन चीज, रेडिंग वहां कड़ी पे डाटो। अरे बीच में जहां सीधा है, सीधी जो भी कड़ी पड़ती है उस पे आपको पकड़ना है। पकड़ो, मीटर में दूरी लेनी है। पकड़ो रे, नीचे पकड़ो ना, इधर ले बेटा, इधर की कड़ी पे, इधर वाली पे। हाँ ठीक है, कितनी आई रीडिंग? अब आप अपनी कॉपी में एक में रीडिंग लिख लो। रीडिंग कैसे लिखोगे? सारे के सारे चैन, ये हमारा ए स्टेशन है, ये ए स्टेशन होगा और वो बी स्टेशन होगा। अब ए स्टेशन से हम चल रहे हैं तो ए स्टेशन से चैन की दूरी हो गई, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। ए स्टेशन से हमने हमारे बाई तरफ नॉर्थ निकाला है तो बाई तरफ की ओर कौन सी कड़ी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कड़ी पर। तो पांचवी कड़ी पर 5 फीट पर कितनी दूरी है विकल्प की? ये हमारा एन वन होगा क्योंकि नॉर्थ की अगली वो है नॉर्थ, तो 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 2.6 मीटर दूर, ये एन वन होगा। उसके बाद एन टू की ले लेंगे, 10 पे आएगा, 10 पे 10वीं कड़ी। ये हमको छल्ला दिखाई दे रहा है, ये एक नॉक का है, इसका मतलब ये 10 कड़ी, क्योंकि हम अभी हमने स्टार्ट किया है तो 10 पे है। तो ये कितनी दूरी पर आ गया? 1.1 मीटर पर। तो एन टू की दूरी कितनी हो गई? 1.1 मीटर, ये एन टू हो गया। इसको हम मिला देंगे। अब उसके बाद हमारे जो भी विकल्प हैं उन विकल्पों को हम नाप लेंगे। जैसे आगे आ जाओ, बंद कर दिया, नीचे चैन की अच्छी तरह आनी चाहिए ना भाई। ये हमें विकल्प को भी दिखाता रहे, विकल्प नापना है। तो विकल्प हमारा जो ये पेड़ है बेटा, जड़ में पकड़, कड़ी पे पकड़, पीछे मीटर में देखना, 3.2 मीटर दूर है, 3.2 मीटर दूर, नॉर्थ की दिशा के विपरीत है। तो हमने नॉर्थ की दिशा के विपरीत बना दिया। और कड़ी कौन सी है, कितने फीट पे है? ये हमारा 30 का छल्ला है। कितने का छल्ला है? 30 का है। तो ये 31 और 32, अर्थात 32 फीट पे ट्री है हमारा। उसके बाद ये पोल, बास्केटबॉल का खेच खेच, बोल क्या पड़ेगा, 2 मीटर पर ट्री की दिशा में ही, 2.2 मीटर पर हमारा क्या है, ट्री फर्स्ट था, ये पोल है, पोल फर्स्ट है ना, बास्केटबॉल फर्स्ट, 2.2 मीटर पे। और कितनी कड़ी आ गई? 40 का, ये 40 का आ गया, 40 में से 1, 2, 3, 4, 36 फीट पे। फिर दूसरा ट्री ले लो, ये इसी के पास में कम है, ये टैग लगा हुआ है, प्रतीक चिन्ह 40 का। तो इस टैग पे 40 से एक कम है, 39 फीट पे। तो 39 फीट पे रीडिंग कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर, अर्थात 3.4 मीटर दूर। 3.4 मीटर दूर क्या है? ट्री सेकंड है हमारा। और कितने पे? 39 पे। ये हमने बिल्डिंग कॉर्नर देख लिया, बिल्डिंग कॉर्नर। अब हमें टैग देखना है कितने का है। ये टैग लग रहा है 3 का है, इसका अर्थ है कि हम 50 से आगे आ गए और 70 पे आ गए, ठीक है ना। तो 70 पे, 3 नॉक वाला 70 पे होता है, तो 3 नॉक से 70 से एक कम, अर्थात 69। और बिल्डिंग की जो दूरी है वो कितनी है चैन से? 8.2 मीटर दूर है। बिल्डिंग को भी दिखा दे, नॉर्थ की दिशा में है तो 69 फीट दूर। हमारी स्कूल के
पिलर आ जाएंगे, मेन गेट कितने पे है? ओहो सीधी कर दीजिए, वहां से कितनी दूरी पर है मेन गेट का पोल? ये हमारा 80 का हो गया टैग, 80 का 81 और 82, 82 फिट पर नॉर्थ के विपरीत क्या आ गया? पोल, गेट पोल, और मेन गेट पोल का 5.7 मीटर दूर है, ये 5.7 मीटर दूर क्या है? मेन गेट पोल फर्स्ट, ऐसे ही हम सेकंड ले लेंगे। कम से कम 6 विकल्प लेने हैं, कम से कम कितने विकल्प लेने हैं? 6 विकल्प। इस वाली पे लो, यहां आएगी सीधी, हमको सीधी देखनी है, फीता तिरछा नहीं हो, चैन के उसमें सीधा हो, सबसे कम दूरी होनी चाहिए फीते की, तो 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर दूर है नॉर्थ के विपरीत दिशा में, और कितनी कड़ी हो गई? वो 90 आ गई हमारी, ये 90 की है, 91, 92 और 93 फीट पर, 93 फीट पर कितनी दूरी आ गई? 5.8 मीटर दूर, और ये हमारा बी स्टेशन आ गया। इसी प्रकार अगर हम आगे जाएं तो बी से सी स्टेशन, सी से डी स्टेशन। अब ये जो रीडिंग ली है, ये रीडिंग ली है इस रीडिंग को हम क्या करेंगे? पक्का करेंगे। ये कच्ची रीडिंग है अभी हमारी, अब आरएफ के हिसाब से इसको पक्का कर देंगे, और पक्का करने के बाद फिर हमारा प्लान तैयार हो जाएगा। तो ये चैन एंड टेप सर्वे जरी फीता सर्वेक्षण का क्षेत्रीय हमारा काम है, इसके अलावा हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो हमने फील्ड में सर्वे किया था, अर्थात हमने जो रीडिंग ली थी, वो रीडिंग हमने ए से बी स्टेशन तक क्या कर दी? नॉट कर ली, और उसको जो कच्ची रीडिंग थी, अब उसको हम आरएफ के अनुसार, आरएफ कोई भी हो सकता है, जैसा आपका क्षेत्र है उस हिसाब से अलग अलग आरएफ आप ले सकते हैं, 100 से लेकर के और 200 तक का आरएफ आप ले सकते हैं, 50 से ऊपर भी ले सकते हैं। तो जितना आप आरएफ ले लोगे, उस आरएफ के अनुसार, उस आरएफ के अनुपात में आपको जरी फीता सर्वेक्षण का जो कच्चा चित्र है आपका, जो आपने कच्ची रीडिंग ली है, उस रीडिंग को क्या करनी है अपन को? पक्के रूप में हमारे आरएफ के अनुसार, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या प्रदर्शक भिन्न के अनुसार क्या करना है? मानचित्र निर्मित करना है। अब जो हमने जरीब और विकल्प की दूरी ली है, वो दो दूरियां अलग अलग हमारी इकाइयों में है। जरीब क्योंकि हमारी 100 फीट की थी और 100 कड़ियां थी, तो वहां पर हमें मीटर का दूरी लेने की कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने हर फीट पर जो हमारी कड़ी थी, उस कड़ी के हिसाब से फीट के दूरी इंगित की, और इंगित करने के बाद फीट की दूरियां लगा दी हमने चैन पे, जो 5, 10, 32, 36, 39, 69, 82, 93 के रूप में हमें प्रदर्शित कर रही है। और इधर ये हमारी सारी विकल्पों की दूरी है, जिसमें N1, N2 ये बिल्डिंग कॉर्नर है, और ये मेन गेट का पोल है, ये मेन गेट पोल फर्स्ट है, ये ट्री सेकंड, ये ट्री फर्स्ट, और ये पोल बास्केट पोल। तो इस प्रकार हमारी ये रीडिंग है। अब हम इस आरएफ के हिसाब से, आरएफ 1:120 के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसका निर्धारण करेंगे, एक मानचित्र बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें सारी दूरियां मीटर में कन्वर्ट करनी है, ये हमारा आरएफ मीटर की इकाई है, मीट्रिक प्रणाली बनाएंगे, तो इसलिए हमें सारी इकाइयां, जो हमारी फिट की इकाइयां हैं, उनको मीटर में बनाना है। मीटर में बनाने के लिए, मीटर फिट की दूरी को मीटर में प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग मेथड है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट मेथड है। हमें शॉर्ट मेथड से करना है, पहले जो मेथड है वो लंबा है, सीधी सी गणित है हमारी कि जितना फिट है, 5 फीट 10 फीट, जैसे 5 फीट की दूरी की ले, तो 5 फीट की दूरी को प्रदर्शित कितना करेगा? तो 5 फीट की दूरी को प्रदर्शित करेगी क्या? प्रदर्शित करेगी 5 बटे में, 100 फीट की थी पूरी चैन, तो 100 फीट
और उसको मीटर में बनाना है तो मीटर में बनाने के लिए 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 फीट में 30 मीटर होते हैं, अर्थात 30 मीटर की चेन से हमने उसको गुणा कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, मीटर बन गया। 100 फीट क्या, जो 5 फीट थी हमारी, वो 5 फीट अब किसमें आएगी, मीटर में प्रदर्शित होगी। अब इसको मीटर में प्रदर्शित होगी, तो मीटर में प्रदर्शित होने के बाद वही हमारी इकाई कि 1 सेंटीमीटर आरएफ के अनुसार 1 सेमी कागज की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, 120 सेंटीमीटर, या हम इसको मीटर बना सकते हैं। मीटर बनाने के लिए क्या करोगे आप, 120 बटा 100 का भाग दे दिया तो ये 1.2 मीटर आ जाएगा, अर्थात हमारा 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 1.2 मीटर प्रदर्शित कर रही है। कागज की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितना प्रदर्शित कर रही है, 1.2 सेंटीमीटर प्रदर्शित, 1.2 मीटर प्रदर्शित कर रही है। अब जो ये 1.2 मीटर है इसका समझने हम भाग देंगे, तो यहां पर ये मीटर की इकाई आ रही, ये 0 से 0 गया और यहां पर 15 1.5 क्या आ गया, मीटर आ गया, 1.5 मीटर आ गया। तो मीटर को बदलने के लिए अब क्या करेंगे हम, अब इस मीटर की दूरी, ये हमारी धरातल की दूरी है, हमने 5 फीट तक धरातल की दूरी ली है, तो इसको मापक के अनुसार कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यही कि एक यहां पर ही बता देते हैं हम, 1.5 बटे 1.2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 1.2, तो 1.5 सेंटीमीटर को क्या प्रदर्शित करेगी, 1.5 बटा 1.2 ये प्रदर्शित करेगी। तो ये तो हमारा एक लंबा रास्ता है, लेकिन एक इसका सीधा भी रास्ता है, और दूसरा सीधा रास्ता क्या है, दूसरा वो हम सीधी की सीधी इस फीट की इकाई को मीटर में आरएफ के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है हमारा कि फीट की दूरी बटा आरएफ इंटू 30, क्योंकि 30 मीटर की चैन थी, उस चैन को हमने प्रदर्शित कर दिया। तो 5 फीट की दूरी है, जैसे 5 फीट की दूरी बटा आरएफ कितना है, 120। अब यहां पर पूरा आरएफ लिखेंगे, न कि हम ये आरएफ, दूसरा तरीका है हमारा, तो ये आरएफ नहीं लिखेंगे, अब यहां पे पूरा आरएफ लिखेंगे 1.2 और इंटू में 30, तो ये इससे इसको काट दिया, ये 4, तो ये कितने बार कट गया, 1.25 सेंटीमीटर की दूरी क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। अर्थात कागज धरातल की 5 फीट की दूरी कागज पर कितने से प्रदर्शित हो रही है, 1.25 सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो रही है इस सूत्र के अनुसार। इस सूत्र के अनुसार सारी हमारी जो फिट की इकाइयां हैं उनको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करके आरएफ के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे, आरएफ के अनुसार बदल देंगे। ये हमारा जो है वो फिट की इकाई को मीटर में। अब हम पूरा हमारा मानचित्र बनाने के लिए गणना कर लेते हैं। अब हमारे पास दो दूरियां हैं, एक तो चैन की दूरी है और एक विकर्ण की दूरी है, दोनों दूरियों को हम लिख देंगे। तो एक तरफ हम चैन की दूरी और दूसरी तरफ विकर्ण की दूरी, दोनों दूरियों की गणना कर लेंगे, एक तरफ चैन की दूरी की गणना कर लेंगे और एक तरफ विकल्प की दूरियों की गणना कर लेंगे। तो चैन की दूरी की गणना करने के लिए आरएफ 120 के अनुपात में हम अगर गणना करें, तो चूंकि 1 सेमी कागज की दूरी धरातल पर प्रदर्शित
करती है। कितना करती है? 120 क्या सेंटीमीटर सेमी, 120 सेमी की दूरी क्या करती है कागज पर प्रदर्शित करती है। या हम इसको क्या बना सकते हैं, 120 बटा 100 बराबर 1.2 मीटर, ये दूरी हो गई। अब हमारे इसलिए कुल चैन की दूरी, इसलिए प्रदर्शक भिन्न के अनुसार चैन की कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई कितनी होगी? तो चैन की लंबाई नापने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि चैन की दूरी 30 मीटर है हमारी, 30 मीटर और 30 मीटर है और आरएफ कितना है 120, अर्थात ये मीटर में है तो हम यहां पर भी मीटर का ही भाग देंगे ना कि सेंटीमीटर का, तो मीटर का भाग देंगे तो मीटर कितना है 1.2 मीटर, ये मीटर की इकाई है इसलिए इसको भी मीटर की इकाई का ही भाग देंगे हम, और मीटर कितना प्रदर्शित कर रही है सेंटीमीटर 1.2 मीटर, तो यहां अगर हम इसका भाग देते हैं तो ये हो जाता है लगभग कट करके और 25 सेमी, अर्थात 25 सेंटीमीटर चैन की कुल लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। अब हम एक एक दूरी को, जैसे हमारी पहले विकल्प की दूरी N1 के लिए दूरी 5 फीट पे है, दूसरी 10 फीट पे है, तो 5 फीट की दूरी, 5 फीट की दूरी, ये फीट का सिंबल है, फीट की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, क्या करेगी 5, वही 5 फीट की दूरी बटा आरएफ 120 इंटू 30, इससे इसको काट लिया हमने तो 1.25 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात 5 फीट की दूरी 1.25 सेंटीमीटर, तो 5 फीट की दूरी यहां से इस ए बिंदु से 1.25 सेंटीमीटर दूर क्या होगा हमारा 5 फीट की दूरी होगी, अर्थात एंड विकल्प होगा। अब दूसरा 10 फीट की दूरी, ये तो पहला है, ये दूसरा 10 फीट की दूरी का प्रदर्शित करेगी, तो 10 बटा 120 इंटू 30 10 फीट की दूरी को क्या प्रदर्शित करेगी, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर की दूरी, 8 सेमी दूरी प्रदर्शित करेगी। फिर आ जाता है हमारा तीसरी दूरी कितनी है 32, तो 32 अर्थात 32 फीट की दूरी प्रदर्शित करेगी, कितना करेगी 32 बटा 120 इंटू 30, इसको 32 फीट की दूरी हमारी कितनी करेगी 9 सेंटीमीटर बराबर 9 सेमी, इसको हम समाधान करेंगे सो सरल करेंगे तो। ऐसे ही अगली 36 फीट की दूरी प्रदर्शित करेगी 36 बटा 120 इंटू 30, तो इसको काटेंगे इसका सरल करेंगे तो ये 9.75 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित होगा। उन पांचवी दूरी हमारी है 39 फीट की, तो 39 फीट को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे 39 बटे 120 गुणा 30 बराबर कितना दूरी प्रदर्शित करेगी, 39 को प्रदर्शित करने के लिए 9.75, जो 39 फीट वाली दूरी है उसको सरल करने के लिए 39 बटा 120 इंटू 30 बराबर किससे प्रदर्शित करेगी
इनको हम सरल करेंगे तो 9.75 सेंटीमीटर से ये प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद हमारी छठी जो दूरी है, छठी दूरी क्या है, 69। तो 69 को प्रदर्शित करने के लिए 69 या 69 फीट को प्रदर्शित 69/120×30 इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 17.2 लगभग 17.2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित होगी। उसके बाद हमारी 82 और 93 दो दूरियां बच गई, तो 82 फीट को प्रदर्शित करने के लिए तो 82/120×30 इसको काट के और जब हम सरल करते हैं तो 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेमी दूरी क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी 82 फीट को। और फिर हमारी आठवीं जो दूरी है वो 93 की है, 93 फीट 93 फीट, तो 93 फीट को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेगी, 93/120×30। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे 23.25 सेमी प्रदर्शित करेगी। अब इसके बाद ये तो हमारी चैन की दूरी है, अर्थात हम चैन पे जो दूरी तय करेंगे, चैन की जो नापेंगे। अब चैन पे हर एक चैन पे एक विकल्प है, उस विकल्प की दूरी भी निकालनी है हमें। तो पहले हमारे उसमें अगर देखें तो पहले 5 फीट की दूरी पर हमने एन वन लिया है, तो पहले उसमें पहला विकल्प जो है वो कितनी दूर है, 2.6 मीटर दूर है। कितनी दूर है, 2.6 मीटर दूर है। तो 2.6 मीटर दूर विकल्प की दूरी धरातल पर प्रदर्शित होगी। तो हमारी n1 की जो दूरी है 2.6 मीटर दूरी, वो n1 2.6 मीटर की दूरी जो विकल्प की दूरी है वो धरातल पर किससे प्रदर्शित होगी, 2.6, क्योंकि मीटर में ले रखी है दूरी पहले से ही। तो अब हम नीचे भाग किसका देंगे, जो हमारा RF की मीटरी इकाई है, मीटरी इकाई कौन सी है, 1.2 मीटर, तो 1.2 का भाग दे दिया, क्योंकि हमारा 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ऊपर की इकाई मीटर है इसलिए नीचे की इकाई भी मीटर का ही भाग देंगे, तो नीचे की मीटर की इकाई का भाग देंगे 1.2 का। तो 2.17 सेंटीमीटर दूर क्या होगा, हमारा विकल्प होगा कौन सा, n1। और n2 की जैसे दूरी करेंगे तो n2 की दूरी कितनी है, 1.1 मीटर दूर है। तो 1.1 मीटर की दूरी जो धरातल की दूरी है वो कागज पर किससे प्रदर्शित होगी, 1.1/1.2 भाग कर दिया हमने, ये RF आ गया हमारा। तो RF की दूरी प्रदर्शित करने के लिए तो क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर आ जाएगा। ऐसे तीसरा विकल्प हमारा जो है 3.3 मीटर का है दूरी पर ट्री फास्ट, तो 3.3 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी 3.3/3.2 है, 3.2 मीटर जो हमने लिया था रीडिंग उसमें 3.2 मीटर थी दूर। तो 1.2 का हमने RF का भाग दे दिया, RF का भाग दिया तो कितनी बार गया, ये होगा हमारा 2.67 मीटर द्वारा प्रदर्शित होगी। उसके बाद चौथी इकाई कितनी दूर है, हमारा विकल्प 2.2 मीटर दूर है, कौन सा, पी फर्स्ट, तो 2.2 मीटर दूर जो हमारी पोल है वो पोल किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इस दूरी से प्रदर्शित किया जाएगा RF के अनुसार। तो 2.2 मीटर पोल की दूरी बटा RF की भी मीटर में दूरी रखनी है तो एक इसका भाग देंगे तो ये दूरी हमारी आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पांचवा विकल्प आ जाएगा 3.4 मीटर दूर है, तो 3.4 मीटर दूर
बराबर 3.4 बटा 1.2 बराबर कितनी बार गया, ये हो जाएगा लगभग 2.8 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगा हमारा छठी दूरी कितनी है, 8.2 मीटर दूर है हमारा विकल्प। तो 8.2 मीटर दूर जो विकल्प है तो उसको प्रदर्शित क्या करेंगे, 8.2 बटा 1.2 बराबर किस दूरी से प्रदर्शित किया जाएगा, 8.2 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर दूर, 8.2 मीटर दूर जो है उसमें आरएफ का भाग दिया तो हमारा ये आ गया 6.8 सेंटीमीटर दूर। उसके बाद 5 पॉइंट हमारा अगली दूरी विकल्प कौन सा है, मेन रोड गेट पोल की है, तो मुख्य जो हमारा द्वार था उसका जो पोल था वो 5.7 मीटर दूर था, तो सातवां विकल्प हमारा 5.7 मीटर दूर था। 5.7 मीटर की दूरी किसे प्रदर्शित होगी, 5.7 बटा 1.2 इंटू 6 इंटू नहीं करते बराबर क्या आ गया, 4.75 सेंटीमीटर सेमी। और अंतिम जो हमारी दूरी थी वो मेन रोड पोल सेकंड था मुख्य द्वार की, तो 5.8 दूरी मीटर की दूरी प्रदर्शित किससे करेगी, 5.8 बटा 1.2 बराबर ये दूरी आ जाएगी हमारी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये दूरियां हमने निकाल ली, पहले चैन की दूरी और फिर विकल्प की दूरी। विकल्प की दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि हमने मीटर में ही इकाइयां ली है, तो आप मीटर की दूरी रख करके और आरएफ का भाग दे दो, आरएफ की दूरी जो होगी वो मीटर वाली होगी, मीटर वाली दूरी होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मानचित्र बनाना है हमारा, इसी को हम पक्का कर लेते हैं। जैसे हमने पूरी लंबाई चैन की लंबाई जो है हमारी वो कितनी खींचनी है, हमें चैन की दूरी इस आरएफ के अनुसार आरएफ 1:120 के अनुसार क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। तो ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब उसके बाद पहली जो दूरी है हमारी एन वन की, तो चैन की दूरी जो है वो कितनी होगी, 5 फीट से प्रदर्शित करती है, 5 फीट कागज की जो दूरी है, धरातल की जो दूरी है वो कागज पर कितने से प्रदर्शित की जाएगी, 1.25। आप 2.5 का अर्थ है कि आप 1.2 भी ले सकते हो और 1.3 भी ले सकते हो, तो 1.3 या 1.2 पे आपने कहां से, ए बिंदु से 1.2 दूरी सेंटीमीटर दूर क्या लगा लिया, निशान लगा लिया। और यहां पर इस जगह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इस जो चैन की लंबाई है हमारी, चैन की लंबाई पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने कितनी दूरी खींचेंगे, विकल्प की दूरी एन की दूरी कितनी है, 2.17। तो 2.17 का अर्थ है 2.1 सेंटीमीटर या 2.2, क्योंकि 5 से ज्यादा है ये पॉइंट के बाद, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर दूर दूरी खींचेंगे। ये हमारा एन वन होगा, हमने यहां से 2.2 सेंटीमीटर की दूरी खींची जो यहां तक आई। उसके बाद ऐसे ही दूरी 10 फीट की दूरी चैन की दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो रही है, तो यहां से ए बिंदु से ही, ए बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर दूर निशान लगा लिया, और 2.5 सेंटीमीटर दूर निशान लगाने के बाद अब क्या किया, फिर वही 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और इधर की साइड बाईं तरफ बनाया है हमने, तो वो दूरी कितनी है, एन टू की दूरी 1.1 मीटर थी जो धरातल पर कितने से, कागज पर कितने से प्रदर्शित करेगी, सेंटीमीटर 0.9 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या कर दिया, 0.9 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच करके, और फिर क्योंकि यहां पर हमने सर्वेक्षण दंड रखा था तो सर्वेक्षण दंड n1 को n2 से मिला दिया, ये हमारा अब n
वन की तरफ हमारा क्या होगा नॉर्थ होगा और इस तरफ हमारा साउथ होगा, एन वन की ओर नॉर्थ होगा और एन टू की ओर साउथ होगा, ऐसे ही हमारे विकल्प होगी दूरी। तो तीसरा विकल्प कौन सा लिया था हमने, 32 फीट दूर था चैन पर, जो प्रदर्शित कितने से कर रहा है 8 मीटर से, इस 8 सेंटीमीटर की दूरी से प्रदर्शित हो रहा है। तो ए बिंदु से 8 सेंटीमीटर दूर हमने निशान लगा लिया ये निशान, और इसे अपोजिशन साइड में है, एन के अपोजिशन साइड में विकल्प था, तो हमने अपोजिशन की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में क्या कर लिया, 3.3 मीटर दूर विकल्प है हमारा, पेड़ कितनी दूर था 3.3 मीटर, जो विकल्प की दूरी को कागज पर कितने से प्रदर्शित कर रहा है 2.67, अर्थात इसको 0.5 से अधिक है तो इसको 2.7 हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2.7 सेंटीमीटर दूर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर खींच दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेड़ हो जाएगा। अब पक्के में हम यहां पर पेड़ बनाएंगे, लेकिन पेड़ किस दिशा में बनाना है, ऊपर नहीं बनाना, जिस दिशा में हमारा नॉर्थ है उत्तर दिशा है, अर्थात इधर है उत्तर दिशा, इसी प्रकार तिरछा बनाना है, यहां पर बिल्कुल अड़ा करके गैप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अड़ा करके बनाना है, इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया पेड़ हो गया। उसके बाद यहाँ तीसरे विकल्प को हमने ऐसे ही, चौथे विकल्प को ले लिया, चौथे विकल्प 36 फीट की जो दूरी थी वो 9 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो रही है कागज पर, तो ए बिंदु से 9 सेंटीमीटर दूर हमने यहाँ निशान लगाया, और इसकी जो चौथी हमारा विकल्प की दूरी थी वो 1.8 सेंटीमीटर से, तो यहां से 1.8 सेंटीमीटर दूर हमने क्या बना दिया, यहां तक कह दिया, और ये क्या है पोल, तो यहां पर हमने क्या बना दिया, इस प्रकार एक पोल बना दिया, ये हमारा पोल हो जाएगा, नॉर्थ की दिशा में खड़ा करना है। ऐसे ही छठा विकल्प जो हमारा है, पांचवा विकल्प 39 फीट दूर है पेड़, तो चैन की दूरी कितने प्रदर्शित करे चैन पे 9.7 के द्वारा, तो 9. यहां से 9.7 सेंटीमीटर दूर, और फिर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये दूरी कितनी है 3.4 मीटर, तो 3.4 मीटर जो है वो कागज पर कितने से प्रदर्शित हो रही है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहां से 2.8 सेंटीमीटर दूरी लेकर के, और यहां हमने क्या बना दिया नॉर्थ की दिशा में ये पेड़ बना। इसी प्रकार बिल्डिंग कॉर्नर आ जाएगा हमारा 69 फीट की दूरी 17.2 सेंटीमीटर से, तो यहां से 17.2 सेंटीमीटर आ गए, और विकल्प की दूरी कितनी दूर है 8.2 मीटर दूर है, तो 8.2 किससे प्रदर्शित कर रही है 6.8 सेंटीमीटर से, तो यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 6.8 सेंटीमीटर की दूरी खींच दी, और यहां पर क्या कर दिया दीवार, ये हमारा बिल्डिंग कॉर्नर। उसके पश्चात 82 फीट पर हमारी क्या है अगला विकल्प है, तो 82 फीट की दूरी 20.5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो रही है, तो ए बिंदु से 20.5 सेंटीमीटर दूर निशान लगाएंगे, और 20.5 सेंटीमीटर दूर निशान लगाने के बाद अब विकल्प की दूरी कितनी है हमारी, विकल्प की दूरी है 5.7 मीटर दूर, तो 5.7 मीटर आरएफ के अनुसार कितने सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं 4.75 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहां 7.5 सेंटीमीटर दूर हमने ये कर लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन गेट पोल हो जाएगा। और इसके बाद अब अगला जो हमारा है पोल अंतिम, वो 93 फीट पे है, और उसको प्रदर्शित करने के लिए 93 फीट को 23.25 सेंटीमीटर था 23.2 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रही है, तो ए बिंदु से 23.2 सेंटीमीटर का निशान लगाया, ये हमारी चैन की दूरी हो गई, और फिर इस पर विकल्प की दूरी कितनी आएगी 5.8 मीटर दूर है विकल्प ये, तो 5.8 जो मीटर है उसको कितना सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रही है 4.8 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ 4.8 सेंटीमीटर दूर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच लिया, और ये हमने इस प्रकार में मैंने एक दूसरे से ऊपर से मिले हुए तो हम मिला भी सकते हैं इस प्रकार,
तो ये हमारा प्लान यहां का तैयार हो गया। अब इस प्लान में और सारी चीजें अतिरिक्त वो हमारी मिटा दी जाए। अब नॉर्थ को हमको ये हमारा मानचित्र बन गया आरएफ के अनुसार। अब इस पे और भी चीजें बनाई जाती हैं सीट पर, जैसे ये सीट पे हमने बीचों बीच बना दिया। उसके बाद उत्तर दिशा का निर्धारण, तो यहाँ पर उत्तर दिशा जो बन रही है तो हम यहाँ पर एक समतल रेखा खींचेंगे। उत्तर दिशा कैसे करेंगे, मानचित्र के दाईं ओर ऊपर हमेशा उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। और कैसे दर्शाएंगे, एक समतल रेखा खींच ली सीधी और उस पर जितना डिग्री का कोण ये बना रही है, चांदी की सहायता से देख लेंगे कितना डिग्री का कोण ये बना रही है, उतना ही डिग्री का कोण हम यहाँ पर बना देंगे। और फिर इस रेखा को हटा करके और यहाँ लिख देंगे नॉर्थ। इस प्रकार नॉर्थ और साउथ आ जाएगा हमारा। ये सारी दूरियां हम प्रत्येक में प्लान में नहीं दर्शाएंगे, ये कोई दूरी दर्शाई नहीं जाएगी। तैयार सीट पर ये सारी दूरियां नहीं होंगी। सिर्फ हमारा प्लान होगा। अब ऊपर शीर्षक होता है, शीर्षक में सर्वेक्षण का नाम, जरीब फीता सर्वेक्षण, जरीब फीता सर्वेक्षण, सर्वेक्षण स्थल कौन सा होगा, स्थल कौन सा होगा, विद्यालय मैदान। जहां का भी आप बना रहे हो तो दूसरा वो हो गया। इधर हमारी संकेत सूची बनेगी, यहां संकेत, इधर संकेत का नाम, नाम जो भी बनाया है, जैसे ये बनाया है तो ये पोल, मुख्य द्वार पोल, पोल। उसके बाद पेड़ बनाया है तो पेड़, तीसरा क्या बनाया है, भवन। इस प्रकार हमने भवन और फिर ए व बी स्टेशन। यहां पर हम क्या करेंगे, आर एफ बना देंगे, जो हमारा आर एफ की गणना है उस हिसाब से आर एफ निर्मित कर दिया जाएगा। जो आपको आर एफ बताया था, हमने पहले पढ़ा था, वो आर एफ यहाँ होगा। इस प्रकार पांच चीजें प्रदर्शित कर दी जाती हैं एक मानचित्र पर। एक तो मानचित्र, उत्तर दिशा, टाइटल या शीर्षक कहाँ का है, क्या है, संकेत क्या क्या काम में लिए हैं आपने, और ये मां, ये सारी चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। ये था हमारा चैन एंड टेप या चरित्र सर्वेक्षण।